तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड ऐसे इसको मत पकड़ो, ये देखिए फ्रेंड खड़ी हुई है इसको पकड़ने के लिए, इसको इसमें करंट आता होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, पहले बैठो, इधर बैठो, आराम से बैठो। और फ्रेंड अभी हो रहा है सुबह का टाइम और हम चौड़ आ चुके हैं। और फ्रेंड मैं ना आते वक्त वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे एक हाथ में मेहंदी लगी है और इस मोबाइल को तो जैसे तैसे करके लाई हूँ और इसको भी टांग रखी थी गोद में। फ्रेंड एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी सूर्य उदय हुआ ही है, ये देखिए फ्रेंड धुंधलापन है आज आसमान में, ऐसा लग रहा है जैसे बादल छाया हुआ है। देखिए मेरे मम्मी पापा उधर खेत हैं, उधर खेतों में मूंग तोड़ने के लिए आए, मूंग जानते ही आप लोग। और मैं ऐसे ये उठ गई थी, तंग कर रही थी तो मैं यहीं पे लेके चली आई, नया नया चीज़ देखेगी तो खेलती है यहाँ पे। तो फ्रेंड मैं ना आप लोग से कुछ बताना चाह रही हूँ। इसको देखिए टक लगा के, पता है कहाँ देख रही है? इसको देख रही है, यहाँ पे जब बल्ब जल रहा है ना। तो फ्रेंड मैं ना आप लोग से ना एक बात बोलना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट आता है इसलिए मैं बोल रही हूँ, ठीक है? तो फ्रेंड बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि प्लीज़ आप अपना एड्रेस दीजिए, मैं आपसे मिलने आऊँगी। हमारे लोकेशन के बहुत सारे होते हैं या पता नहीं और लोग कहाँ के होते हैं, मतलब मैं ना ऐसे 5-6-10 देखी हूँ ऐसा कमेंट। तो फ्रेंड मैं उन लोगों से यही कहना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड अभी मैं खुद शादी के बाद से 2 साल तक मैं अपनी मायके में हूँ और फ्रेंड वीडियो को लेकर के उतना मेरे घर वाले जानते हैं बट उतना कोई सीरियस नहीं है, मतलब सीरियस क्या, मतलब जानते हैं वो, क्या सीरियस, गांव के लोग तो जानते ही है ना। अब तो फ्रेंड जैसे कि मन में कुछ भी चल रहा हो, जैसे कि अच्छा खासा ही चल रहा है कि हाँ आगे बढ़े हमारी बेटी या बहन, लेकिन मुंह पे नहीं ना बोल सकते हैं उतना। तो फ्रेंड इसलिए मैं ना अपने मायके में मैं अभी नहीं बुला सकती क्योंकि मैं खुद अलग एक जगह कहीं सेट हो जाऊंगी ना, तो वहाँ पे आप लोग को मिलने के लिए बुलाऊंगी। मैं अभी खुद ना ही किसी से मिल पा रही हूँ, ना ही मैं आप लोग को अपने से मिलने दे पाऊँगी। तो फ्रेंड इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिएगा और मेरी मजबूरी है, समझिए मैं नहीं बुला सकती। तो मैं खुद यहाँ इतने दिनों से रह रही हूँ और आप लोग को बुलाऊँ थोड़ा अजीब टाइप नहीं लगेगा? तो फ्रेंड और एक और कमेंट आता है कि वो तुम एक ही जगह बैठ करके वीडियो बना रही हो, तुम्हें डांस नहीं आता है, डांस क्यों नहीं करती हो? तो फ्रेंड डांस आता है, थोड़ा बहुत आता है, उतना नहीं भी आता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे बहुत आता है, लेकिन नहीं आता उतना, थोड़ा बहुत आता है। तो फ्रेंड जो भी आता है कभी कभी डांस कर लेती हूँ और मेरा ट्राईपोड है ना वो टूट गया है तो मैं मोबाइल कहाँ रखूँगी ये बताइए। ट्राईपोड मैंने नहीं ली हूँ, महंगा पड़ता है वो, कम दाम वाला कम दाम की तरह ही होता है। तो फ्रेंड इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ, मतलब अपनी फुल बॉडी की वीडियो नहीं बना पाती हूँ, इसलिए ऐसे बैठ करके ही बना लेती हूँ। तो इसमें क्या ख़राबी है, बैठ करके ही बनाती हूँ, कोई गलत थोड़ी ना बना रही हूँ। कितना लोग को तो देख रही हूँ जैसे तैसे बना देते हैं वीडियो, फिर भी उस पर 1K 2K लाइक रहते हैं, मेरे पर तो इतना भी नहीं रहता। और डांस करके बनाती हूँ तो उस पर तो और भी ज़्यादा कम रहता है, आप देख लीजिएगा मेरी डांस वाली वीडियो और बैठ करके जो बनाती हूँ वो वीडियो, उस पर ना अरे मेरा चूड़ी पकड़ के खींच रही है। तो मेरा जो बैठ कर बनाती हूँ उस पर बहुत सारा लाइक कमेंट रहेगा और जिस पर डांस करती हूँ उस पर 1-2 मुश्किल से कमेंट रहेगा और कम ही लाइक रहता है, 1K पे 50 लाइक भी रहता है। तो फ्रेंड इतना ही बोलना था, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और फ्रेंड ले ले ना चोटी, ले चोटी तो खोल दी इसमें से चूड़ा ले। तो फ्रेंड और हाँ ये जो मैं मेहंदी लगाई हूँ ना, देखिए सुबह में ही मेहंदी लगाई क्योंकि रात में मैं नहीं लगा पाई थी क्योंकि मैं मार्केट गई थी क्योंकि हमारी फ्रेंड की बहन की शादी है तो उसमें जाऊँगी मैं। पता नहीं मैं व्लॉगिंग करूँगी कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं खुद को तो दिखा सकती हूँ ना। चिल्ला क्यों रही हो? तो फ्रेंड ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड बाय बाय। अभी तो मैं एक ही जगह बैठ करके बोलूँ इसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज़ आप एक बार अपनी शक्ल दिखा दो, दिखा दो, इधर दिखाओ। कल पता है क्या हुआ फ्रेंड, मैंने मार्केट गई थी ठीक है, तो उस टाइम जिस टाइम हम आ रहे थे ना मार्केटिंग करके, तो उस टाइम ना मतलब मुझे ऑटो पे नहीं बैठना था, कुछ और लेना था सामान, और ये ऑटो वाला को रोक रही थी, कह रही थी ए ए ऐसे कर रही थी, तो ऑटो वाला रुक गया था। अभी भी ये कर रही है। तो फिर हम बोले कि अभी नहीं जाएंगे तो वापस चले गए। तो फ्रेंड वीडियो कैसी है? अरे करंट लग जाएगा, पागल है क्या? तो फ्रेंड बाय बाय।